इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुनिया भारत की मदद कर रही है, मगर मोदी विरोधियों ने सबसे ज्यादा हल्ला इस बात का मचाया है कि विदेशों से आया सामान गया कहां, किन राज्यों को मिला और उसकी डिटेल्स कहां है। जो लोग सियासत से अलग सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि ऑक्सीजन कब पहुंचेगा, कॉन्सेंट्रेटर्स कब पहुंचेंगे, सिलेंडर कैसे पहुंचेगा, कितना काम हुआ, कितना बाकी है, इसकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। समंदर के रास्ते भारत को ऑक्सीजन की पहली डिलीवरी हुई है। 20 मेट्रिक टन वाले 7 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर्स यूएई से हिंदुस्तान के मुंद्रा पोर्ट पर उतारे जा चुके हैं। ये 7 टैंकर जहाज से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत पहुंचे हैं और जहाज से नीचे उतारते ही इन्हें सीधे ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर लोड किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर लोड होते ही 140 मेट्रिक टन वाले 7 टैंकर्स दिल्ली सहित नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों की तरफ रवाना हो गए। मोदी कोशिश कर रहे हैं, दुनिया मदद कर रही है, मगर मोदी विरोधी रिलीफ मटेरियल्स के नाम पर भी सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन देख लीजिए, आप दंग रह जाएंगे। हाई लेवल मीटिंग के बहाने मोदी फोबिया फैलाया जा रहा है। ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने भारत को विदेशी मदद पर डिपेंडेंट बना दिया है और कहा जा रहा है कि विदेशों से आई मदद दिल्ली एयरपोर्ट पर सड़ रही है। कोरोना काल में सियासत ऐसी कि मोदी से पूछा जा रहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन आई तो कहां गई, ऑक्सीजन के सिलेंडर, कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां गए। कांग्रेस की शिकायत वाली लिस्ट बहुत लंबी है, मगर इसमें पॉलिटिक्स कहीं ज्यादा है। इसलिए आज हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की मदद से आपको बताएंगे कि पिछले कुछ घंटों के अंदर किन देशों से क्या क्या सप्लाई भारत भेजी गई है और जो सप्लाई आई है वो कहां कहां पहुंची है या पहुंचने वाली है और विदेशी मदद को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए मोदी ने कौन सा मैकेनिज्म तैयार किया है। ब्रिटेन की ऑक्सीजन कंपनी ने 5000 सिलेंडर्स की मदद का भरोसा दिया था, जिसकी पहली खेप 900 सिलेंडर्स के साथ भारत में लैंड कर चुकी है। इन सिलेंडर्स को भारतीय वायुसेना के विमान एयरलिफ्ट करके लाए हैं। ऑक्सीजन की कमी से देश में हो रही मौतों के बीच इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स का देश में पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है। ये चेन्नई की तस्वीरें हैं। कुछ घंटों पहले यहां 450 ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे हैं। अमेरिका से मेडिकल इक्विपमेंट्स की 5वीं खेप भी भारत में लैंड कर चुकी है। अमेरिकी वायुसेना के विमान से 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारे जा चुके हैं। कुवैत ने भी 282 ऑक्सीजन सिलेंडर भेज दिए हैं। 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर्स और दूसरे मेडिकल सप्लाई की भी डिलीवरी हुई है। आयरलैंड से 2 ऑक्सीजन जनरेटर, 548 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 365 वेंटिलेटर्स और दूसरी मेडिकल सप्लाई की सेकंड खेप भी भारत पहुंच चुकी है। मुश्किल वक्त में भारत को मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की लिस्ट बहुत लंबी है। दुनिया के 16 देश 26 फ्लाइट से भारत को रिलीफ मटेरियल की सप्लाई कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने एडिशनल इमरजेंसी सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया है। चेक रिपब्लिक 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजेगा, डेनमार्क 53 वेंटिलेटर्स, स्पेन 119 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 145 वेंटिलेटर्स, नीदरलैंड 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन की 30,000 वॉयल्स, 449 वेंटिलेटर्स और जर्मनी 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 516 वेंटिलेटर्स और 1 ऑक्सीजन जनरेटर भेजेगा। अभी तक ब्रिटेन से 5 फ्लाइट, अमेरिका से 5 फ्लाइट, रूस से 2, मॉरिशस से 1, सिंगापुर से 1, यूएई से 1, आयरलैंड से 2, रोमानिया, थाईलैंड, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम, इटली और ताइवान से भी 1-1 फ्लाइट की लैंडिंग भारत में हो चुकी है। विदेशों से आ रही मदद की दिन रात रिपोर्टिंग की जा रही है। कौन सा सामान कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, एक एक तस्वीर पब्लिक डोमेन में है, एक एक इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, सबकी डिटेल दी जा रही है। मगर अफवाह फैलाने वाला गैंग कभी यह फैलाता है कि विदेशों से आ रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को कस्टम की क्लियरेंस नहीं मिल रही। इसके जवाब में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को जवाब देना पड़ता है कि ये सब झूठ है और हांगकांग से आई सप्लाई को कुछ घंटों में ही क्लियरेंस दे दी गई थी। ठीक इसी तरह राहुल गांधी अपनी टाइमलाइन पर वैक्सीन को लेकर भ्रामक बातें फैलाते हैं और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पूनावाला को ट्वीट करके सही बात देश को बतानी पड़ती है।
अब सवाल ये है कि जो लोग सिर्फ मोदी को बदनाम करने के लिए वैक्सीन से लेकर रिलीफ मटेरियल्स तक पर झूठ फैला रहे हैं, उस झूठ के पीछे का सच क्या है? अब आपको एक एक करके सारा सच बताते हैं। भारत सरकार ने सभी रिलीफ मटेरियल की सप्लाई के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना रखा है। कस्टम विभाग को साफ निर्देश है कि कोरोना से रिलेटेड जो भी सप्लाई आएगी उसकी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से और कुछ घंटों के भीतर हो जानी चाहिए। ऐसी सप्लाई के क्लियरेंस को हाई प्रायोरिटी दी गई है। बाकायदा नोडल ऑफिसर को मॉनिटरिंग और क्लियरेंस की मेल आती है। क्विक एक्शन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी के अंडर एक सेल काम कर रहा है जो विदेशों से आ रही कोविड रिलीफ मटेरियल को बिना किसी देरी के रिलीज करता है। ये सेल 26 अप्रैल 2021 से ही एक्टिव है। इस सेल से जुड़े लोग हर रोज सुबह 9:30 बजे एक वर्चुअल मीटिंग करते हैं। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े लोग हर एस्पेक्ट पर बात करके आगे का काम करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि विदेशों से रिलीफ मटेरियल्स के आने की शुरुआत अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही हुई थी। दूसरी बात यह है कि विदेशों से आई मदद एक तरह का एडिशन है, क्योंकि भारत सरकार पहले से ही अलग अलग राज्यों को हर सुविधा मुहैया करा रही है और विदेशी मटेरियल्स को स्वास्थ्य मंत्रालय के सेल और नीति आयोग के जरिए पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ बांटा जा रहा है। अब जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये सप्लाई हो रही है तो फिर ये जा कहां रही है, अब इसका जवाब देखिए। हेल्थ मिनिस्ट्री के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत विदेशों से आए एड संख्या में लिमिटेड है, इसलिए इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन तक उनके सही इस्तेमाल के लिए सबसे पहले उन राज्यों को चुना गया जहां कोरोना के हालात बेकाबू हैं। इसके तहत अलग अलग कैटेगरी के 24 आइटम्स को, जिनकी संख्या करीब 40 लाख है, उन्हें अलग अलग राज्यों के 86 इंस्टीट्यूशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इनमें एक बड़ी संख्या बीपैप मशीन्स की है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, PSA, ऑक्सीजन प्लांट्स और पल्स ऑक्सीमीटर की थी। साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन, PPE किट्स, N95 मास्क और सर्जिकल गाउन्स भी भेजे गए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।